on knowledge, literature and culture. Keeping it is a Sahiban ka ek aur baar dil ki gehrai se iski आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है इकबाल इंस्टीट्यूट के तहत, तो उसमें यही मौजू है कि अल्लामा की फ़िक्र की क्या अहमियत है साइंस के लिहाज से, अदब के लिहाज से, इंसानियत के लिहाज से और बाकी जितने भी मुख्तलिफ उनवानात हो सकते हैं उनके लिहाज से अल्लामा इकबाल की अहमियत क्या है और उनकी फ़िक्र की क्या अहमियत और उसकी आज के ज़माने के साथ कौन सी मानवियत पैदा हो जाती है और हम कैसे मानवियत पैदा कर सकते हैं। मन नवाई शायरी फरदास्तम या देखता मन नवाई शायरी फरदास्तम या देखता। कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऐसे सेमिनार हो रहे हैं तो पहले से हो रहा है और इस पैंडमिक के बाद आज बड़े टाइम के बाद ये सेमिनार हो रहा है तो हाँ बहुत खुशी महसूस हो रही है सर। कितना ज़रूरी है इस तरह के सेमिनार सर ये के नाम पर होने चाहिए ताकि नौजवान पौध को ये पता चले कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो हैसियत थी वो क्या थी और कितनी खदमत उन्होंने इस काम के लिए। जी सर ये तो बहुत ज़रूरी है खासकर उर्दू अदब के लिए। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी के साथ साथ उर्दू को भी काफ़ी तकवीत बख्शी है तो ये आज की नौजवान जो नस्ल है इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने जो उर्दू और फारसी में जो मजमूए मुरत ये मजमूए जो उन्होंने कायम किए हैं तो जिन्होंने एक तहलका मचा दिया है उम्र के हवाले से चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो या नौजवान तो हर एंगल से अल्लामा इकबाल ने जो है हर एक के लिए एक मैसेज रखी है। Yeah, but it's not.